शिमला जिला के ननखड़ी में कॉलेज का निर्माण कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण कार्य 2016-17 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2021 तक भी इसका निर्माण कार्य अधर में ही लटका हुआ है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों व कॉलेज के छात्रों में भारी रोष पनप रहा है। छात्रों का कहना है कि वे लगातार स्कूल में अपनी कक्षाएं लगा रही हैं, जहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि ननखड़ी कॉलेज का निर्माण कार्य 2016-17 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर यहाँ पर 18 पंचायतों के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की सरकार, दोनों ही सरकारों में कार्य को गति नहीं दी जा रही है। ऐसे में यदि कार्य चलता रहा तो इस भवन को पूर्ण होने में लगभग 10 साल लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज के निर्माण कार्य में 3 से 4 लोग कार्य कर रहे हैं, इनके सहारे ही कार्य किया जा रहा है, जिसमें अभी भी काफी साले लग सकती है। वहीं छात्रों ने मांग की है कि ननखड़ी कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि छात्रों को समय पर इस कॉलेज का लाभ मिल सके। मैं देवेंद्र ननखड़ी महाविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मैं लगभग पिछले 2 महीनों से जो हमारा नव भवन निर्माण कार्य जो गिल्लीधार में चल रहा है, उसको देखने हम लगभग 3 से 4 बार जा चुके हैं। वहाँ पे एक इंजीनियर के साथ 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। अगर यह कार्य इसी गति से चलता रहा तो अगले 10 वर्षों तक भी यह कार्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हम 18 पंचायतों के चुने गए सभी सदस्यों, चाहे प्रधान हो, चाहे वाइस प्रधान हो और VDC मेंबर हो, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि आप लोग खुद कितने बार वहाँ जाकर उसका निरीक्षण कर चुके हैं, और हम PWD विभाग से भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग कितनी बार वहाँ पे जाके महीने में निरीक्षण करते हो। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी ओर भी ध्यान दें, क्योंकि कॉलेज बनने से किसी एक व्यक्ति का भला नहीं होगा, पूरी ननखड़ी पंचायत और इसके साथ लगे 18 पंचायतों का सभी का भला होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वर्षा मेहता ननखड़ी कॉलेज की छात्रा आप लोगों से मतलब नए कॉलेज के विषय में कुछ बात करना चाहूँगी। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं इस कॉलेज को देखते हुए, लेकिन इसमें अभी भी तक पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। ये काम इतनी धीरे से क्यों चल रहा है, इस पर लोग कितना ध्यान दे रहे हैं? लोग ये कॉलेज सिर्फ केवल एक ही पंचायत के लिए नहीं है, कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। मतलब 18 पंचायत है तो सभी लोग खुलकर आगे आए कॉलेज के लिए, सभी के बच्चों के लिए, न्यू पीढ़ी के लिए कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। यदि यहाँ कॉलेज होता तो शायद मतलब बहुत से बच्चे इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती, यहाँ पे मतलब पिछड़ जाता है अपना क्षेत्र। अगर कॉलेज की सुविधा हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोग, BDC मेंबर, सभी जितने भी लोग आगे गए हैं, नेता लोग, सभी लोग कितना, यहाँ के लोग कितना ध्यान दे रहे हैं इस कॉलेज के विषय में, उन्होंने कितनी बात देखा है। ये काम इतनी धीरे से क्यों चल रहा है, इस काम को देखे, जाँच करे, तभी मतलब न्यू पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी। कॉलेज का होना, कॉलेज में सुविधाएं, सब प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। 5 सालों से ये काम ऐसा ही है, अगर इतना ही धीरे से चलता रहा तो कितने वर्ष लग जाएंगे इसमें। तो सभी लोग आगे आए, सभी के बच्चों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए, हम लोग जागरूक होकर आगे आए और अपनी आवाज़ उठाए, तभी हमें न्यू कॉलेज मतलब सुविधाएं प्राप्त होगी। सभी लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है, कॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है सभी विद्यार्थी के लिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार, मैं चांदनी ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ननखड़ी की सहमंत्री। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इतने वर्षों से ननखड़ी महाविद्यालय ननखड़ी भवन का निर्माण हो रहा है, जैसे कि वो अभी इतने वर्षों से अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मैं सभी लोगों से यही पूछना चाहूँगी, यह कार्य अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ है? सभी पंचायतों के प्रधान, BDC मेंबर, सभी लोगों से पूछना चाहूँगी, जितने जब भी चुनावी दौर होते हैं तब लोग यहाँ राजनेता लोग आगे यहाँ वोट मांगने आते हैं, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं वैसे ही ये लोग नहीं आते हैं, ना देखते हैं। पहले तो वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, परंतु जैसे ही ये लोग जीत के आगे जाते हैं वैसे ही ये सब लोग भूल जाते हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगी कि लोग इस ननखड़ी महाविद्यालय भवन का निर्माण के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले। प्रबल शिक्षा के कुछ सदस्यों द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ननखड़ी, जो कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, काफ़ी समय से लगभग 2014 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद से लेकर जो यहाँ कच्चे चाल से इस कॉलेज का काम चल रहा है उसको
देखने गए थे, तो वहाँ जाकर हम लोगों ने पाया कि जो ये काम है ये तो बिल्कुल कछुए की गति से बिल्कुल बहुत ही धीमी चाल से काम चल रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे ना तो कोई ठेकेदार की लेबर्स थी और ना ही कोई डिपार्टमेंट का शायद एक कोई व्यक्ति मिले थे कि हम, उन्होंने बोला कि मेरी यहाँ पे ड्यूटी है। तो उनसे भी हमने कुछ जानना चाहा तो वो भी ये कह पाने में असमर्थ रह गए कि इस काम में डिले की वजह क्या है। उसके बावजूद हमने ठेकेदार की तरफ से नियुक्त एक इंजीनियर से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ननकरी तहसील की लगभग 17 पंचायतों के बच्चे ही हमारे इस डिग्री कॉलेज खुलने से लाभान्वित होने थे। और जैसे कि आप लोगों को विदित है कि जो ये कॉलेज की कक्षाएं हैं अभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में चल रही है, तो अगर कॉलेज का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो निश्चित रूप से यहाँ के 17 पंचायतों के जो बच्चे हैं हमारे उनको शिमला या रामपुर नहीं जाना पड़ता था। तो इसी संदर्भ में मैं एक्सिन साहब और एसी साहब से भी निवेदन करा है, कई बारी पीछे भी बात करी है, तो उनसे भी हमने कई बारी इस विषय में उठाया है और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आने वाले सेक्शन जो 70 होगा 22-23 का, उसमें इसी कॉलेज में ये कक्षाएँ लगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो भी इस दिशा में कुछ ठोस दिशा निर्देश देकर शीघ्र अतिशीघ्र इस कॉलेज का निर्माण पूरा करवाएं। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ननखड़ी से रामगोपाल सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोइंग मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।